हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो कल वाला लेक्चर था उसमें, सॉरी, जो कल वाला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जो नीट का फॉर्म आप फिल करोगे तो उसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बताने जा रहे हैं कि नीट का फॉर्म फिल कैसे करेंगे, स्टेप बाई स्टेप कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखो, फॉर्म फिल करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होगी ना, तो वो है डॉक्यूमेंट्स। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, वो है आपके पेशेंस की ज़रूरत, आपके धैर्य की ज़रूरत। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीज़ें आपके पास होंगी, पर आपका धैर्य नहीं आपके पास होगा, आपको पेशेंस नहीं होगा, आपका दिल इतनी तेज़ धक धक करेगा और इतना डर लगेगा, बिलीव मी। क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करोगे, ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर होता है, जब आप एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ भी मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो बहुत डर लगता है, ह्यूमन नेचर है। आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आराम से तसल्ली के साथ करना, बहुत धैर्य से करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और नीट का जब फॉर्म भरोगे ना, तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपको दूसरा फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। एनटीए ने साफ साफ बोल रखा हुआ है कि आपको जो करेक्शन विंडो है वो नहीं मिलेगी, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्योंकि मान लो आपका एक फॉर्म गलत हो गया, फिर जब आप दोबारा फॉर्म भरोगे ना, तो सेम नेम आपका, सेम मम्मी पापा का नेम, 10th 12th सारा सेम सेम रहेगा, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि फॉर्म भरने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। तो फॉर्म भरना बहुत ही तसल्ली के साथ भरना, बहुत आराम से भरना, बिना डरे हुए भरना, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने पेशेंस को भी अपने साथ रखना, वो सबसे ज़रूरी है। और एक एक स्टेप को ना अच्छे से पढ़ना, बिकॉज फॉर्म आपका है, ईयर आपका है, तो जरा से भी गलती होगी ना तो आपको नुकसान भरना पड़ेगा। तो बहुत धैर्य के साथ भरना और फॉर्म फिल करना, बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, एक एक स्टेप हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे, तो सबसे पहले एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप वो डाल दोगे exams.nta.ac.in। आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे डालोगे exams.nta.ac.in। जैसे ही आप डालोगे, उसको टिक करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर टिक कर देना, एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट नीट का फॉर्म भरने की आपको मिल जाएगी, सामने मिल जाएगी। वो क्या है, ये दिख रही है ना, exams.nta.ac.in। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे गूगल पे, ये पूरा फॉर्म एनटीए ने जो दिया हुआ है यहाँ से चालू हो जाएगा। अभी लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बस फिंगर से क्लिक करना है, ऑनलाइन होने का ये सारा फायदा हो जाएगा, आपको पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म क्लिक करोगे, आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, आपका राइट साइड आ जाएगा, आपको लेफ्ट साइड पे स्टार्ट करना है, बिकॉज यू आर अ न्यू कैंडिडेट। आप फॉर्म अभी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो यू हैव टू गो लेफ्ट साइड, ओके, नॉट राइट साइड। आप यहाँ पे जाओगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो सारा बुलेटिन एनटीए ने जो जो आपको दिया हुआ है वो सारा अच्छे से पढ़ लेना, क्या क्या दिया हुआ है, आपका पेपर है, आप एक एक चीज़ बहुत आराम से पढ़ना। नहीं समझ में आए, गूगल सर्च कर लेना, यहाँ पे तो हम लोग सारा बता ही रहे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, तो इत्मीनान से आप उसको पढ़ना, सर्च करना, कोई क्वेरी हो तो आप तुरंत कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, और उसमें सारी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारा जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए क्या फ़ी वगैरह है वो सारी दी गई है। सारा बुलेटिन अच्छे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि जो आपकी फ़ोटो है, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो इतनी बड़ी होती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इतनी छोटी होती है, सबका साइज़ मेंशन कर रखा हुआ है। आप अपने आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, आप मोबाइल में फ़ोटो खींचोगे, और जैसे ही आप फ़ोटो खींचोगे, तो फ़ोटो रिसाइज़र होते हैं, एडोब स्कैनर होता है, वो सारे ऐप होते हैं, आप उनको डाउनलोड कर लेना, अगर आप कैफ़े नहीं जाते हो। अगर आप कैफ़े जाते हो, तो वहाँ पे कैफ़े वाले भैया सारा मतलब जो जो डिटेल्स आप लेके जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग वो भर देंगे। अगर आप घर पे करते हो, तो फ़ोटो रिसाइज़र एक ऐप है और एडोब स्कैनर है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो उसमें आप अपनी एक फ़ोटो ऐसे क्लिक कर लेना, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना, और एक कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, ओके। और अगर मान लीजिए, जैसे आप जो लोग बुर्का या हिजाब वगैरह पहनते हैं ना, तो उसमें आपका जो होगा ये कान वाला एरिया पूरा ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए कि आपकी 80% फ़ोटो विजिबल होनी चाहिए, फेस विजिबल होना चाहिए,
ठीक है ना, ये उनके लिए एनटीए ने स्पेशली बोला हुआ है, तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप बहुत आराम से पढ़ना कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फ़ोटो आपकी रिसेंट होनी चाहिए, क्लास फिफ्थ की फ़ोटो उठा के मत चिपका देना, आपकी अभी लेटेस्ट जनवरी वाली जो फ़ोटो हो वो खिंची होनी चाहिए। तो वो फ़ोटो 7-8 खिंचा के रखा लेना आराम से, वो आगे आपके काम आएंगी। आगे तक जब तक आपका जैसे पेपर हो जाएगा, फिर आप भाई सिलेक्ट भी हो जाओगे, बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर बन जाओगे, तो वहाँ पे भी काम आएंगी, फ़ोटो वही लगेंगी। तो आप अपना एक फ़ोटो खींची, उसी में फ़ोटो रिसाइजर में गए, फ़ोटो रिसाइजर में गए, तो वहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो, उसी के बनाने के कई सारे ऑप्शन होते हैं। उसी में जैसे जितना भी केबी वगैरह मांग रहे हैं उतना केबी सिलेक्ट कर लोगे, सारा बहुत ईजिली हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमसे पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ोटो कैसे बनाते हैं वो भी बता देंगे। बाकी आप कैफ़े में जाओगे तो कैफ़े वाले भैया भर ही लेंगे, उनको सब पता ही है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि फ़ोटो आपकी एकदम वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, फ़ोटो आपकी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आपका 80% फेस जो है ना विजिबल होना चाहिए, फ़ोटो रिसेंट होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो लगेगी जो इतनी बड़ी होती है आपके हाथ जितनी, और एक होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये सारा बुलेटिन आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपको आराम रहे कि आप भूल जाओ। वैसे तो वीडियो भी डाउनलोड कर लोगे जब आप भरना, तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाना कैसे भरना है। बाकी आप अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज ये आपका साल है, आपका फॉर्म है, तो अपनी सेफ्टी आप सबसे ज़्यादा रखना, ठीक है। बाकी हम तो फिर हैं ही आपके साथ, है ना। चलो अभी क्या करेंगे, हमने सारा बुलेटिन डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड ये जो बॉक्स बना हुआ है ना उस पर राइट टिक कर देंगे, ठीक है। राइट टिक कर दिया, अब उसके बाद आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब इसको करेंगे तो हम सीधे पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आते हैं ना, तो यहाँ पे लॉगिन आप किस तरीके से करोगे, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किससे आप फॉर्म फिल करोगे, आपका एक आइडेंटिफिकेशन वो मांगेगा। तो आप आधार कार्ड के थ्रू जाते हो, डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू जाते हो, आप अपना पैन कार्ड वगैरह जो भी है जिसके थ्रू जाते हो, तो आप अपना उसके थ्रू जाना। और जैसे आधार कार्ड सबके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि आधार कार्ड सबका बना होता है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हो। और जब आधार कार्ड डालोगे तो आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, जो भी डालोगे उसका नंबर आएगा। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड चूज़ कर लेते हैं, हमने पैन कार्ड चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा। अब हम यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल कर देते हैं। ये हमारा पैन कार्ड का नंबर जैसे ही हमने फिल करा, तो यहाँ पे आके क्लिक हियर टू प्रोसीड, ये मेरा इस पेज का सारा काम हो गया। अब हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, तो हमारा देखो जो हमारा जो हमने आइडेंटिफिकेशन डाला हुआ था वो हमारा उसका नंबर आ गया। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स भर देना। और पर्सनल डिटेल्स भरने में ना हमेशा ध्यान रखना, कैंडिडेट का जो नाम होगा, मदर का, फादर का, जिसका भी नाम होगा, वो वही नाम होगा जो आपने हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा हुआ है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम है मीरा, MEERA, तो आपका नाम है मीरा, आपको भी पता है कि मीरा नाम है, बट आप इसमें भर देते हो MIRA, तो ये जो आपका नीट का फॉर्म पूरा भर रहे हो ना, पूरा गलत हो जाएगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो जैसा आपने हाई स्कूल में जो जो भरा हुआ है सेम वही भरना, बिल्कुल भी गलती मत करना, हड़बड़ाना नहीं, आराम से जैसे भरता जाए तो ऊपर नीचे एक बार स्क्रॉल कर लेना कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से फिल करी हैं कि नहीं, देन आगे प्रोसीड करना, ठीक है। तो चलो अभी हम कैंडिडेट्स नेम भरते हैं एज़ पर क्लास 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो मेरा 10th में नाम था, ये नाम था, हमने भर दिया हुआ। मेरे पिताजी का नाम था, ये हमारे पिताजी का नाम था, ये भर दिया। माताजी का नाम भी भर दिया। अब आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेरी 5 जनवरी 2006, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये एक्चुअली मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है ना, तो ध्यान रख लेना। और फिर आता है आपका जेंडर, तो आप मेल फीमेल क्या चीज़ हो वो भर देना, हम हैं फीमेल, हमने फीमेल सिलेक्ट कर दिया। नेशनैलिटी हमारी इंडियन है, इंडियन भर दी। आइडेंटिटी टाइप, आपने किससे लॉगिन आप कर रहे हो, आधार कार्ड से कर रहे हो तो आधार कार्ड डालोगे, उसका नंबर लगेगा। हमने पैन कार्ड से की थी तो हम यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरा ये ऊपर दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और लॉन्ग प्रेस करके कॉपी, और सेम वैसे लॉन्ग प्रेस करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया।
अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आप अभी वर्तमान में रह रहे हो। आप अभी यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ पे आपने तैयारी की हुई है और यहीं से आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम भी यहीं से दें, मेरा सेंटर यहीं पड़े। तो जो दिल्ली में आप हो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। और अगर जैसे कानपुर से आप दिल्ली आए हो तो कानपुर आपका स्थायी पता हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया कि आप अभी पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ अभी फिर वहीं चले जाओगे, ठीक है ना। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। हम क्या करेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, फिर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर देंगे तो हमें परमानेंट एड्रेस फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो फिल हो जाएगा, दो बार हमारी मेहनत नहीं होगी, मेहनत से हम बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेजेंट और परमानेंट सेम है। तो चलो भर देते हैं। पता में क्या है हमारा, ये है हमारा प्रेजेंट एड्रेस, ये है हमारी सब लोकेलिटी और ये है हमारी लोकेलिटी। कंट्री है अपना भारत देश महान, सबसे प्यारा देश है अपना भारत इंडिया, तो इंडिया हमने भर दी। फिर आता है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आई बिलोंग टू दिल्ली सो हमने दिल्ली फिल कर दिया। दिल्ली में कहाँ से, वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से लिख दिया। फिर उसमें पिन कोड आता है, हर एरिया का पिन कोड होता है, जिप कोड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें 6 times 0000 लिख दोगे। हम अपने एरिया का पिन कोड लिख दे रहे हैं, 6 number का होता है, 6 number का डाल दिया। अब आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर जब आप फिल करोगे तो कंट्री कोड मांगेगा, वो ऑटो फिल हो जाएगा, 91 अपने आप से ले लेगा। फिर आता है मोबाइल नंबर, देखो बच्चे जब भी आप मोबाइल नंबर भरना या ईमेल एड्रेस डालना तो वो आप एक डायरी बना लेना और डायरी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि ये आपने मोबाइल नंबर प्राइमरी डाला हुआ है और ये आपने ईमेल आईडी डाली हुई है। ईमेल आईडी के एक एक लेटर कौन से स्मॉल है, कौन से कैपिटल है, वो सारा बहुत अच्छे से लिखना, एक डायरी बना लेना, डायरी में सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना जिससे आप भूलोगे नहीं, फॉर्म भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, जो मोबाइल आप फ्रिक्वेंटली आपके पास रहता है वही मोबाइल नंबर डालें, ठीक है ना। तो अभी मेरा मोबाइल नंबर बच्चे ये है, सेव कर लेना, कोई भी क्वेरी हो इस पर आपको सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ये फेक मोबाइल नंबर है, क्योंकि फॉर्म भरा है ना इसलिए, तो ये फेक मोबाइल नंबर है, वो तो मैं ऐसे ही कह रहे थे। फिर लिखा है कंफर्म मोबाइल नंबर, अभी ये जो नंबर है ना 9988776656, ओके, ये हमारा कंफर्म कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस बहुत आराम से भरना, इतना टाइम है ना आपके पास कि आप बिल्कुल तसल्ली से भरना ताकि कुछ गलत ना हो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो फॉर्म सबमिट अगर हो गया, मान लो यहाँ पे नहीं पता चला, वहाँ पे कुछ जब करेक्शन होता है ना, कोई भी दिक्कत हुई तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है ना, वहाँ पे आप फॉर्म मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ईमेल और फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से ध्यान रख के करना, आराम आराम से करना, धैर्य के साथ करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे ईमेल फिल करने जा रहे हैं, तो ईमेल लिख देते हैं, ये हमने ईमेल डाल दी, कंफर्म ईमेल एड्रेस, फिर से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है ना, ईमेल एड्रेस मिला लेना, ऊपर नीचे दोनों सेम है कि नहीं, जैसे हमने ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे मेरा जी कैपिटल में है और नीचे जो जी है वो स्मॉल में है, अभी सेम हो गया। हाँ, तो आप जब भी ये करोगे ना बहुत अच्छे से मिला लेना। अब यहाँ पे आता है ईमेल एड्रेस आपने डाल दिया, अब आप यहाँ पे लिखोगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ऑप्शनल है, आपको डालना हो डालो, नहीं डालना हो मत डालो, बट एक ऑप्शनल डाल देना, इसलिए कि मान लीजिए अगर आपने जो नंबर फिल किया हुआ है, जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है, वो मोबाइल नंबर उस पर कोई मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना ऑप्शनल जो नंबर आप डालते हो ना उस पर आ जाएंगे, तो इससे आपकी ना डबल सेफ्टी हो जाती है, तो ऑप्शनल ज़रूर रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऑप्शनल भी रख दे रहे हैं, ये है मेरा ऑप्शनल वाला, कितना सुंदर नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10,
अब आते हैं परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस हमने सारा फिल कर दिया है, अब हम आते हैं अपने परमानेंट एड्रेस पे। परमानेंट एड्रेस भी मेरा प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो हम टिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जैसे इसको टिक करेंगे अब ये ऑटो फिल हो जाते हैं, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी मेहनत से बच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका भी है तो आप भी बच जाओगे, अगर नहीं है तो आपको दो बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब आते हैं चूज पासवर्ड। आपको पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करना है और जो भी पासवर्ड आप चूज़ करोगे आप उसको नोट डाउन कर लेना। पासवर्ड चूज़ करने में आपको एक कैपिटल लेटर, ए बी सी डी में कोई भी लेटर कैपिटल, स्मॉल लेटर, गिनती जो न्यूमेरिक होती है 1 2 3 4 वो चूज़ करना है, स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैशटैग एट द रेट ये आपको लेना है, और एटलीस्ट उसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 8 नंबर लॉन्ग होना चाहिए, कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 8 से लेके 13 तक का कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 से कम होगा वो नहीं लेगा, 8 और 8 से ज़्यादा 13 तक चलेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड डाल लेते हैं, लाइक हमने डाल दिया दीक्षित @8123। अभी देखो अभी हम आई बटन पे टिक करते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कि देखो हमने क्या लिया है, दीक्षित का डी कैपिटल लिया है और स्मॉल में सारे ले लिए है, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर आ गया और न्यूमेरिक 1 2 3। इसमें सारी चीज़ें जो जो वो कह रहा था कि एटलीस्ट 1 एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक 1 2 3, इनमें कुछ भी ले सकते हो, तो सारी चीज़ें हो गई। अब कन्फर्म पासवर्ड है सेम हम डाल देंगे दीक्षित, बिकॉज हम दीक्षित हैं, दीक्षित होते हैं सबसे ज़्यादा शिक्षित, तो हम डाल देते हैं कन्फर्म पासवर्ड। आई बटन पर टिक कर लेते हैं कि सेम है कि नहीं, सेम है। अब हम इसको आई बटन को बंद कर देते हैं, अपनी आँख को बंद कर लेते हैं। दीक्षित सबसे ज़्यादा शिक्षित मेरे फूफा कहते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, लाइक कि अगर आप अपना पासवर्ड मोबाइल नंबर भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जिससे आप उससे रीजनरेट कर सकते हो। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फुल, योर बर्थ सिटी, आपके नेबर्स का पेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फर्स्ट व्हीकल कौन सा, रजिस्ट्रेशन नंबर का फर्स्ट क्या है, लेटर वगैरह, फेवरेट बुक कौन सी है। तो हम इसमें चूज़ कर लेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। अब उसका रिप्लाई लिख देंगे जो भी हमारे स्कूल का नाम है, हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आता है सिक्योरिटी पिन, ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये है आपका सिक्योरिटी पिन, इसको हम लिख देंगे, ये है 719 4375, इसको सबमिट कर देते हैं। अब ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं, हमने उसको चेक कर लिया था और फिर हमने सबमिट कर दिया। जब हमने इसको सबमिट कर दिया तो जो जो डिटेल हमने अपनी पर्सनल डिटेल भरी हुई थी वो सारी आ गई। अभी इसमें देखो नीचे क्या क्या मांगेगा। अब आते हैं पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू वेरीफाइड। वेरीफाई आपको करना है कि आपने ये चीज़ें भर दी हैं, माय नेम भर दिया है टिक कर दो, पापा का नाम भर दिया है, मम्मी का नाम भर दिया है, डेट ऑफ बर्थ हमने भर दी है, जेंडर भर दिया है, एड्रेस फिल कर दिया है, मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, ईमेल फिल कर दिया है, सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, डिक्लेरेशन है कि हाँ हमने जो जो चीज़ें भरी हैं वो मैं सत्यापित करती हूँ कि सही है। अगर कुछ उसमें त्रुटि होती है, गलत होता है, तो वो आपको इनएलिजिबल कर देंगे, ठीक है ना। आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे पेपर देने के लिए, तो बहुत ध्यान से भरना, इत्मीनान से भरना, नहीं तो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी जरा सी आपकी गलती की वजह से। तो बहुत इत्मीनान के साथ भरना। फिर आई एग्री पर जैसे ही टिक करोगे देन अब आपको यहाँ पे है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कोई गलती है तो आप एडिट पे जाओगे, फिर वापस चले जाओगे, पीछे जो जो करेक्शन करना है वो कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं हमें एडिट पे नहीं जाना है, हमने सारी चीज़ें सही भरी है, फिर आप सबमिट एंड सेंड OTP पे जाओगे। आपने भी जीमेल जो डाली थी ना उस पर OTP आएगा। डू यू वॉन्ट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP? यस। तो अब ये हमको OTP भेज रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर OTP। तो हम अपनी ईमेल चेक करते हैं और ईमेल पे हम अपना OTP चेक करते हैं, जो हमने हमारा OTP आया कि नहीं। OTP जो आएगा वो नीट के नाम से आएगा, ये देखो नीट UG 2024 वन टाइम पासवर्ड आ गया और वन टाइम पासवर्ड है हमारा 6320। तो हम इसमें आ जाते हैं थैंक यू, और हमारा पासवर्ड है 6320, पासवर्ड डाल दिया
अगेन कैप्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें भर लोगे, कैप्चा नहीं भरोगे, गलत भरोगे, ये आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। सो कैप्चा ना बहुत ध्यान से भरना और इसको वेरीफाई कर देंगे। तो जैसे ही हमने वेरीफाई किया, सारी चीज़ें हमारी सही थी, तो हमको फॉर्म ने क्या बोल दिया, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। अब ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा ना, ये ईमेल पे तो आ चुका होगा, बाकी अगर फिर भी अगर आपको डबल सेफ्टी ट्रिपल सेफ्टी चाहिए तो उस डायरी में भी लिख लेना। तो यानी कि इसने भेज दिया है, ओके। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया है, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर अभी सारे लोग फॉर्म भरने में लगे होंगे और बहुत लोग ट्रायल पे होंगे, दिखा रहे होंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो थोड़ा देर से आया था। ये एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, ये मेल में तो सेफ है, आप एक कॉपी में भी लिख लेना, जिस कॉपी में सारी चीज़ें नीट के लिए आप लिख रहे हो, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर हो गया, जैसे ही यहाँ पे क्लिकिंग हेयर, हम मेल पे ही गए, मेल पे वो आपको OTP भेजेगा, मेल पे वो आपको एप्लीकेशन नंबर देगा, उसी मेल पे हम हैं, और क्लिकिंग हेयर पे जैसे ही करेंगे ना, तो वो हम उसी अपनी मेल आगे जो फॉर्म था ना, रजिस्ट्रेशन जो करा रहे थे, अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन नंबर मिलने का मतलब होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, एक स्टेप हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है ना, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन नंबर कॉपी पेस्ट हो गया है। अब आता है पासवर्ड, पासवर्ड आपने क्या जनरेट किया था तो वो लिख देना, हमने लिखा हुआ था जो भी पासवर्ड, दीक्षित @123, ये मेरा पासवर्ड था। सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन आप एंटर कर देना, बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी पिन, ये नहीं एंटर करोगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं, प्रोसीड ही नहीं करेगा। 16049, भगवान जी का नाम लेना और लॉगिन कर देना। ये देखो अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर डालोगे, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, लॉगिन करोगे, पूरा आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक स्टेप हो गया है, फिर दूसरा स्टेप है हमारा एप्लीकेशन, लेफ्ट साइड पे ही है, अब हम एप्लीकेशन पे टिक करेंगे। जैसे ही हम एप्लीकेशन पे टिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में ही दी गई है कि एप्लीकेशन में कितनी सारी चीज़ें लगेंगी, एक एक चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सारी भरते जाएंगे। अभी आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल को हम टिक करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपका जो जो चीज़ें आप भर चुके हो वो सारी चीज़ें हो गई हैं, आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो भी हो आप उसमें भर देना, क्योंकि पूछ रहे हैं तो कुछ तो हमको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, आपातकालीन, अगर आपने एक ईमेल आईडी दे दी है, दूसरी कोई और है तो वो आप भर सकते हो, नहीं तो आप वही भर देना। मान लो कभी कभी उस ईमेल आईडी का आप कुछ भी भूल गए तो आपके मतलब डबल सेफ्टी के लिए ना दूसरी ईमेल आईडी भी बना लेना, उसका पासवर्ड बना लेना, वो लिख देना। बट अभी हम ईमेल आईडी वही लिख देते हैं जो हमारी थी, ये हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, सेम एज परमानेंट एड्रेस, सारी चीज की ऑलरेडी फिल है। अब यहाँ पे आप कैप्चा भरेंगे और आई एग्री पे आप टिक कर दोगे। आई एम नॉट श्योर कैप्चा में ये 1 है कि 7 है, तो मैं एक बार ना यहाँ से रिफ़्रेश कर लेंगे इसको फिर से, तो रिफ़्रेश करने से वो नया कैप्चा जनरेट कर देगा। और कभी कभी फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं ना, तो रिफ़्रेश की बटन होती है, आप इसको क्लिक करोगे तो ये रिफ़्रेश करके नया कैप्चा जनरेट करेगा, जिसे आप फिल करोगे फिर वो आगे फॉर्म को प्रोसीड कर देगा। तो आई एग्री पे टिक कर दिया है, सारी चीज़ें एक बार फिर से ऊपर स्क्रॉल कर लो, देख लो सारी चीज़ें हैं, सब भरा हुआ है, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ छूटा ना कॉलम वॉलम, कुछ भी गलत हुआ तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत इत्मीनान से बहुत धैर्य के साथ करना। हमने देख लिया हुआ है कि सारी चीज़ें हमने भर ली हैं, सारी चीज़ें करेक्ट हैं, तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, अभी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो गई हैं, ओके कर देंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अब हमको यहाँ पे पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल पे आ गए। जैसे आप फॉर्म जो जो स्टेप करते जाओगे ना, वो आपको ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचा देगा। अब हम लोग आते हैं फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, और फिर क्या है, अभी नेशनैलिटी हो गया, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया।
अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा ये ब्लैंक है, लिखा हुआ है इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट आर यू ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, आप अपने मम्मी मम्मी पापा के केवल अकेले गर्ल चाइल्ड हो, अगर हो तो लिख देना यस, नहीं हो तो लिख देना नो, हम नहीं हैं तो लिख दिया हमने नो. अभी हमारा इसमें कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो कैटेगरी जो भी जिस कैटेगरी में आता है उसमें कर देना. अब ये देखो ओबीसी एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट है, ओबीसी एनसीएल ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो सारे आते हैं ओबीसी एनसीएल में, इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना. उसमें उनको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, सरकार कुछ उनको रिजर्वेशन देगी. उनके पापा की इनकम 8 लाख है या ऐसा कुछ है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब भी वो इस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल है. आप ओ बी सी एन सी एल एज पर कैंडिडेट, वो आप इसको टिक कर दोगे और आप जो भी आपके पापा गवर्नमेंट है या नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल होगे. हमारी जनरल कैटेगरी है तो हम जनरल सिलेक्ट कर ले रहे हैं, एक एक सारे स्टेप सिलेक्ट करते जाएंगे. रूरल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ पे, रूरल गांव का है या अर्बन शहर का है, अर्बन कर दे रहे हैं हम, ठीक है ना. बिलोंग टू माइनॉरिटी, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, हमने जनरल का डाला है तो हमारा नहीं है, अगर आप अगर हैं तो आपका यस आ जाएगा, ठीक है ना. मोड ऑफ प्रिपरेशन, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस, इंडिविजुअल, ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, ट्यूटोरियल, इतने सारे दिए हैं. अगर आपने ऑनलाइन तैयारी की है तो ऑनलाइन डाल देना, कोचिंग से की है कोचिंग से डाल देना, सेल्फ स्टडी की है तो आप सेल्फ स्टडी डाल देना, लाइक हमने सेल्फ स्टडी की है बट आपने तो ऑनलाइन की हुई है तो हम डाल देंगे ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अभी इधर की सारी चीज़ें हमारी फिल हो गई हैं, अभी ये हमारा रह गया है इसका लेफ्ट साइड का, जो हमारी डिटेल्स है वो रह गई हैं. डू यू इंटेंडेड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्रेरी टू द ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग इन द नीट यूजी, मींस अगर आप कोई भी कोई ड्रेस कोड पहन जाते हो, लाइक जैसे जो लोग हिजाब वगैरह पहनते हैं, अगर आप वो पहन जाओगे तो आपको थोड़े पहले बुलाया जाएगा, बिकॉज प्रॉपर चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उन स्टूडेंट को ना यहाँ पे पहले बुलाया जाएगा, थोड़ा जल्दी बुलाया जाएगा. जो टाइम आधा घंटा 45 मिनट पहले बुलाया जाता है, वो एक घंटा पहले जाएंगे वहाँ पे. तो हम यहाँ पे कर देंगे नो, जिसको यहाँ पे करना है यस, जिनको पूरा ड्रेस कोड चलेगा तो वो यस करेंगे, बाकी हमें नहीं कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है. अब हमारा इस साइड का पूरा हो गया है, अब हम आते हैं अपने राइट साइड पे. राइट साइड पे मेरा ऊपर से सारा फिल है, सारा एक एक कॉलम हम चेक करते जाएंगे. अब यहाँ पे आएंगे स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास और अपीयरिंग, अगर आपने कहाँ से 12th पास किया है या आप अभी 12th में हो कर रहे हो तो वो आपको स्टेट डाल देना है. लाइक दिल्ली, हमने दिल्ली से डाल दिया. आर यू डायबिटिक, आपको शुगर है, डायबिटिक हो, अगर यस तो आप यस करना, अदरवाइज नो करना. वार्षिक आय एनुअल इनकम फैमिली, आपके पापा की क्या एनुअल इनकम है आप वो फिल कर देना, जो भी हो. आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया पे, ठीक है ना. ड्रेस कोड, अब हमने यहाँ तक सारी चीज़ें भर दी तो आगे सीधे एग्री और कैप्चा करके आगे मत बढ़ जाना, एक बार देख लेना कि आपकी कोई भी चीज़ छूटी तो नहीं है. हाँ, अपना नाम भर दिया, पापा का नाम भर दिया, जेंडर भर दिया, नेशनैलिटी भर दी, आइडेंटिफिकेशन नंबर भर दिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर दी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भर दिया, कि गांव से आप रहते हैं कि शहर से बिलोंग करते हो वो भर दिया, बिलोंग टू माइनॉरिटी, बिलोंग करते हो तो यस नहीं तो नो वो भर दिया, आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि सेल्फ स्टडी की है, ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग की है, जो भी किया है वो भर दिया. और फिर क्या आपको कोई ड्रेस कोड चाहिए, अगर चाहिए तो आप उस पर यस पे टिक करोगे, अदरवाइज एन ओ लिख दोगे, नो टिक कर दोगे. इधर लेफ्ट साइड की मेरी सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब हम इधर की भी कंफर्म कर लेते हैं. डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर का नाम हो गया, पेरेंट ओनली केवल सिंगल बच्चा नहीं है हम, अपना आइडेंटिटी टाइप लिख दिया, ट्वेल्थ हमने कहाँ से पास किया, ठीक है ना, या हम अपीयरिंग हैं वो कर दिया, और आर यू डायबिटिक वो नहीं है, इनकम कर दी, कंट्री कर दी, सारी चीज़ें कर दी. अब हमने अच्छे से टैली कर लिया कि हमने सारी डिटेल फिल कर दी हैं, हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे. कैप्चा फिल करना बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा. सारा करने के बाद आप आई एग्री पे टिक कर देंगे, भाई आप एग्री होगे तभी तो फॉर्म फिल होगा.
सारा कर दिया। अब अगर आपको लगता है नहीं हमारा पीछे कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत है, तो बैक का ऑप्शन है, बैक पे टिक करोगे, आप वापस पहले वाले पेज पे चले जाओगे, वहाँ सारा जो जो गलत हो आप करेक्शन कर लेना। अदरवाइज़ आपको लगता है नहीं हमने सारी चीज़ें सही भरी हुई है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली ओके कर दीजिएगा। तो यानी देखिए अभी आपकी क्या क्या हो गई, एप्लीकेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई। अब हम लोग आ गए पर्सनल विद डिसेबिलिटी। अब हम लोग पर्सनल विद डिसेबिलिटी में आ गए। अगर आप PWD उम्मीदवार हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप नो कर देंगे। यहाँ पे हम नो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे क्या है, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे टिक कर देंगे। अगर आपको लगता है प्रीवियस आपने कुछ गलत भर दिया है, यू कैन क्लिक बैक। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं आपका पूरा फॉर्म सही है, जस्ट सेव एंड नेक्स्ट। PWD डिटेल हमारी सेव हो गई है, सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सब कुछ करना है। अभी देखो क्या क्या हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, PWD वाला हो गया। अब हमको एग्जाम सेंटर डिटेल भरनी है। अब हम लोग जैसे जैसे फॉर्म भरता जाएगा सारे स्टेप खत्म होते जाएंगे, आगे स्टेप में बढ़ते जाएंगे। अब हम फिर से मिलाएंगे कि हम लोग ने क्या क्या कर दिया है। वो अपने आप ऑटो फिल इसने ले लिया है, अप्लाई फॉर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आता है एग्ज़ाम स्टेट फर्स्ट चॉइस, तो इधर ये इधर अभी नहीं ले रहा है, तो यानी कि आपको राइट साइड पे टिक करना पड़ेगा। तो राइट साइड पे क्वेश्चन पेपर मीडियम, भाई अगर आपको हिंदी मीडियम में देना है तो हिंदी सिलेक्ट करना, इंग्लिश मीडियम में देना है तो इंग्लिश में सिलेक्ट करना, जिसकी जो लैंग्वेज है पंजाबी उर्दू, जिसको जिसमें देना है वो सिलेक्ट करना। हम सिलेक्ट करेंगे मोड इंग्लिश। जैसे ही मोड इंग्लिश सिलेक्ट किया, आगे प्रोसेस हुआ, फिर आता है एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट चॉइस। आप कहाँ चाहते हो कि सबसे पहले आपको जो सेंटर पड़े आप एग्ज़ाम देने जाओ वो आपका पड़े, तो आप एग्ज़ाम सिटी डाल देना। पहले यहाँ पे स्टेट पड़ जाएगा, क्योंकि हमने स्टेट, हम दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली फिल किया था, तो उसने अपने आप दिल्ली ले लिया। अब दिल्ली के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सिटी चूज़ करेंगे, तो हमारी न्यू दिल्ली फर्स्ट सिटी आ गई। फिर हमारा एग्ज़ाम स्टेट सेकेंड चॉइस, सेकेंड चॉइस में भी इसने दिल्ली ले लिया, हमने दिल्ली फिल कर दिया। ऑटो फिल है, कोई जो आप एक स्टेट करोगे उसी के दोनों स्टेट वो ले लेगा अपने आप, दिल्ली फर्स्ट में भी सेकंड में भी दिल्ली। बट सिटी क्या हो जाएगा, सिटी आपका दूसरा हो जाएगा। जैसे हमने पहले न्यू दिल्ली लिया हुआ था, अभी हमारी दूसरी सिटी हो जाएगी, लाइक हमने गुरुग्राम चूज़ कर लिया, ठीक है ना। फिर आता है फादर ऑक्यूपेशन, आपके पापा का क्या ऑक्यूपेशन है, पापा क्या काम करते हैं, उनका क्या व्यवसाय है। तो लाइक मेरे पापा बिजनेसमैन है, हमने बिजनेसमैन सेलेक्ट कर दिया। मेरी माताजी क्या है, माताजी आल्सो बिजनेस वूमेन, तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी फादर क्वालिफिकेशन क्या है, माय फादर क्वालिफिकेशन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, मम्मी की भी पोस्ट ग्रेजुएट। नो जेंडर डिस्पैरिटी, मदर फादर सेम इक्वालिटी, सारा सेम सेम है, सारा इसमें फिल कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ऊपर चेक करेंगे, लेफ्ट साइड चेक करेंगे कि सारी चीज़ें भर ली है, हाँ ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया। इधर देखेंगे, हाँ ये भर दिया, ये कॉलम भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है। नाउ हम जाएंगे कैप्चा फिल करेंगे, ठीक है ना। कैप्चा फिल कर दिया, आई एग्री पे टिक कर दिया। अगर आपको लगता है, देखो वो कितना आपको ऑप्शन दे रहा है, मतलब कितने चांसेस दे रहा है कि अगर कुछ भी गलत है फॉर्म, वो इतने सारे अटेम्प्ट्स दे रहा है कि नहीं वापस जाओ सारी चीज़ें सही कर लो, ताकि क्योंकि उसको पता है ना, क्योंकि एक ही बार मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, अभी इस टाइम दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हो, करेक्शन विंडो नहीं ओपन होंगी, इसलिए बहुत आराम से फॉर्म भरो। लगता है कि कुछ गलत है तो बैक आ जाओ, नहीं तो एक बार पूरा ऊपर स्क्रॉल कर लो, चेक कर लो, फिर नीचे आ जाओ और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओ। एग्ज़ाम डिटेल सेव सक्सेसफुली क्लिक कर दिया। इधर पे आ गए लेफ्ट साइड में क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ तक हमारी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम पहुँच गए क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अब इसमें हमारी 10th की मांगेगा, 11th की मांगेगा, 12th की मांगेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम 10th में। अभी देखना हम कितने होशियार हैं, अभी भरेंगे तो देखना, ठीक है ना। आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है आप वो लिख देना। 10th पास्ड, ऑब्वियसली 10th, आप 12th में या तो अपियरिंग में होते हो या पास कर चुके होते हो तभी नीट देते हो, तो 10th तो पास ही होगे, तो 10th हाँ पास। पासिंग ईयर आपका होगा 2019, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th है।
आपने किस स्कूल से पास किया हुआ है, रूरल है या अर्बन है। तो मेरा अर्बन है, मान लीजिए अर्बन मतलब गांव का है कि शहर का है वो भर दिया। फिर टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, स्कूल का नाम क्या है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है तो यहाँ पे हमने केंद्रीय विद्यालय कर दिया, ठीक है ना। और एक क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट पहले इधर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा दिल्ली का है तो हम दिल्ली डाल देंगे, आपका जो होगा वो डाल दोगे। फिर यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट, तो ये वेस्ट दिल्ली का है, वेस्ट दिल्ली डाल दिया। स्कूल बोर्ड, आपका स्कूल बोर्ड कौन सा है, तो मेरा स्कूल बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो हमने ये डाल दिया। अब आता है स्कूल कॉलेज नेम, आपका जो भी स्कूल कॉलेज नेम है आप वो फिल कर दोगे। फिर आता है स्कूल का पिन कोड, जो भी आपके स्कूल का पिन कोड होगा, जब आप हाई स्कूल की मार्कशीट देखोगे ना तो वहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, तो वो आप लिख दोगे, नहीं तो अपने स्कूल में फ़ोन करके पूछ लोगे या आप गूगल पे डालोगे, तो जो एरिया में आपका स्कूल है, जिस एरिया में लगता है, वो गूगल आपको बता देगा। तो यहाँ पे हम अपना पिन कोड डाल देते हैं, ये पिन कोड डाल दिया। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर है, 6 नंबर का होता है तो हम रोल नंबर डाल दे रहे हैं, ये हमारा हाई स्कूल का रोल नंबर है। रिजल्ट मोड परसेंटेज, ठीक है ना, जैसे ही परसेंटेज डालोगे तो यहाँ पे आएगा टोटल मार्क्स, मतलब का जो हाई स्कूल का पेपर होता है 10th का, वो टोटल कितने मार्क्स का होता है, 6 सब्जेक्ट्स का होता है, तो वो टोटल हो जाएगा 600, ठीक है ना। आपकी आय कितने, चूंकि आई एम ए वेरी मेरिटोरियस तो यहाँ पे हमारे कितने आएंगे अभी देखना, आ जाएंगे 550, इतने आ गए, परसेंटेज वो ऑटो करेक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अभी आपने 11th में आपका पास स्टेटस क्या है, अगर पास्ड हो, अभी देखना 11th में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनको पास हुए हैं बट वो प्रमोटेड हुए हैं, लाइक कोविड आया है तो उस स्कूल ने क्या हुआ है, इनको सीधे क्लास में प्रमोट कर दिया है, पास्ड का सर्टिफिकेट दे दिया है, नो नंबर, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी परसेंटेज नहीं है। इन दैट केस जिसमें वो प्रमोट हुए हैं तो वो सीधे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, मीन्स अब उनके पास परसेंटेज नहीं है, मार्क्स नहीं है, तो वो नॉट एप्लीकेबल, जो सारी चीज़ें दी हैं। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो, मीन्स आपकी 11th की जो जो चीज़ें दी गई हैं ना वो एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए, तो आप NA भर दोगे, ठीक है ना, जिसको कोविड में सीधे प्रमोट कर दिया गया 11th से 12th में, और जिसको प्रॉपर मार्क्स दिए गए हैं तो वो यहाँ पे पास्ड भर देगा, ठीक है। दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास डाउट आया था कि मैम अगर जो सीधे कोविड में प्रमोट हो गया है जिनके स्कूल बोर्ड ने, तो उसमें हम क्या भरेंगे, तो वहाँ पे आप अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है, मार्क्स नहीं है, आप सीधे 11th से 12th में प्रमोट हुए हो, तो वहाँ पे आप NA कर दोगे, मीन्स नॉट एप्लीकेबल, उससे आपका फॉर्म गलत नहीं होगा, मीन्स कि ये जो जितने भी परसेंटेज के ऑप्शन दिए हैं वो आपके लिए एलिजिबल एप्लीकेबल नहीं है, तो आप वो NA का ऑप्शन लगा दोगे। बाकी जिसके लिए भी पास्ट का है वो सारी चीज़ें वैसे ही भरेगा जैसे हमने 10th में भरी हुई थी, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्टली प्रमोट हुए हैं तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, सारी हमारी 11th की चीज़ें हट जाएंगी, 11th का कोई भी हमको ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा, सीधे हम आ जाएंगे 12th में। बट जिनका अगर उनको मार्क्स मिले हैं, उनका परसेंटेज है, तो आप वहाँ पे सारा भर दोगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने जैसे NA का भरा तो NA में कुछ नहीं था, अब हम आते हैं पास्ड में। अगर हम पास्ड भरते हैं तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हमारा 11th था, ठीक है ना, और हमारा ईयर कौन सा हो जाएगा, 20 में 11th हो जाएगा, ठीक है ना। स्कूलिंग आपका कौन सा हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, और टाइप ऑफ स्कूल कौन सा हो जाएगा आपका, केंद्रीय विद्यालय हमने भर दिया। सेम जैसे आपने हाई स्कूल की सारी डिटेल्स भरी थी वही आप बिल्कुल ऐसे भर दोगे जहाँ से आपने जो किया हुआ है। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट आपका कौन है, मेरा दिल्ली है, हमने दिल्ली भर दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दिल्ली, वेस्ट दिल्ली भर दिया। स्कूल बोर्ड कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भर दिया। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर आपका 6 नंबर का होगा, हमने वो रख दिया रोल नंबर, जो भी आपका 11th में रोल नंबर होगा, ठीक है ना। और फिर रिजल्ट मोड, आपका परसेंटेज मिला है, परसेंटेज लिख दिया। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स 11th में भी 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो 500। ऑब्टेन मार्क्स कितना है हमारा, 450, ये हो गया, इसने परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं 12th में, सेम सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। एनए वाला बता दिया है तो 11th का पूरा स्टेप खत्म हो जाएगा, सीधे एनए कर दोगे वो 12th में आ जाएगा। अभी हम आते हैं 12th में, तो 12th में आपका पास स्टेटस मींस आप पास हो चुके हो या आप अभी 12th में हो और उसी के साथ आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं अपियरिंग। तो हम पास्ड में है तो हम पास्ड में कर देंगे, ठीक है। अब आता है पासिंग ईयर, तो हम 21 में होगा 12th, ठीक है ना। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम। क्वालिफाइंग एग्जाम कोड है, जब आपने अभी हमने बताया था ना सारा जो प्रोसीजर वगैरह था, जब एनटीए ने स्टार्टिंग में ही फॉर्म भरा था तो उसमें कोड दिए हुए थे। जिन लोगों का अपियरिंग है उनको 01 भरना था और जिनका पास है वो 02 भरेंगे। तो हमने जो पास हमने लिखा हुआ था तो हम वहाँ पे जो 12th पास है वो 02 फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम कोड डाल दिया 02, ठीक है ना। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग में अर्बन है, अर्बन भर दिया। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज क्या है, हमारा केंद्रीय विद्यालय, ये भर दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट हमारा दिल्ली है, हमने ये भर दिया। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, वेस्ट दिल्ली भर दिया, आपका जो है आप वो भर दीजिए। स्कूल बोर्ड पूछेगा, अगेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भर दिया। आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, जो भी स्कूल का एड्रेस है आप वो भर दीजिए। स्कूल का पिन कोड होगा, स्कूल का पिन कोड डाल दीजिए, नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आपका स्कूल लाइक आप गूगल में डालोगे कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर यहाँ का है, फिर वो एरिया पिन कोड वो गूगल बता देगा ये है, तो आप उसको भर दोगे, ठीक है ना। रोल नंबर, 12th का भी रोल नंबर आपने 6 नंबर का है तो 1 2 3 5 6, ये हमने रोल नंबर डाल दिया। अब आता है हमारा रिजल्ट मोड, आपका परसेंटेज। आप परसेंटेज, क्योंकि आप पास हो चुके हो तो आपको परसेंटेज मिलेंगे, वो आप यहाँ पे रख दोगे। तो यहाँ पे बोला गया टोटल मार्क्स, इंटर में 12th में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये हमने टोटल मार्क्स 500 का ऑप्टेन, बिकॉज आई एम वेरी मेरिटोरियस, तो 450 अगेन 90% मार्क्स आ गए मेरे। फिर इसमें देखो सब्जेक्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट अपने आप ऑटोफिल है, उसमें इंग्लिश होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट होंगे। अभी टोटल मार्क्स, अब आपके इंग्लिश में कितने का पेपर था, जैसे इंग्लिश का पेपर कितने का होगा, 100 मार्क्स का होगा। आए आपके कितने, अगेन यू आर वेरी इंटेलिजेंट, हमसे भी इंटेलिजेंट हो, 90 मार्क्स आ गए। केमिस्ट्री कितने का पेपर था, ये भी 100 नंबर का पेपर था, इसमें भी आप बहुत इंटेलिजेंट हो क्योंकि आप PhD किंग आपको पढ़ाते हैं, आपने उनके वीडियो देखे हैं, तो इसमें आपके 99 मार्क्स आ गए। और फिजिक्स, फिजिक्स भी आपकी बहुत स्ट्रांग है और इसमें भी आपके 90 मार्क्स आ गए। और बायो, बायो तो सबसे स्ट्रांग है आपकी, बिकॉज आप बनने ही जा रहे हो डॉक्टर, तो बायो तो सब पता ही होगी, इसमें भी आपके 99 मार्क्स हैं, तो आपने सारा कर दिया। हम कैप्चा फिल कर दे रहे हैं जो, और आई एग्री पे टिक कर देंगे। बैक जाना है, कोई मिस्टेक है आपको लगता है तो आप बैक पे टिक कर देंगे, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो हमारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सारी सेव हो गई, सक्सेसफुली हो गई, ओके कर देते हैं। अभी देखो हमारे कितने स्टेप हो गए, क्वालिफिकेशन हो गई, अब हम लोग के लास्ट स्टेप बचे, एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल ये आपसे मांगेगा, क्या मांगेगा, क्या आप जुड़वा हैं, दोनों नीट की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स आपके भाई बहन है, ट्विंस हो और दोनों साथ में नीट दे रहे हैं। अगर है यस तो आप यस करना, मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो मेरे साथ नीट कर रहा है तो हम नो कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, नीट एग्जामिनेशन, डिड यू एवर अपियर इन द नीट एग्जामिनेशन, यस। अगर आप 4 बार दे चुके हो तो आप लिख देना यस, अगर आप पहली बार दे रहे हो तो लिख देना नो, अगर ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू फिल द कैप्चा, तो ये सारी एक बार फिर से ऊपर स्क्रॉल जरूर कर लेना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं भरी हुई है, और फिर आई एग्री करोगे। अगर लगे कि कुछ गलत है तो बैक चले जाना, अगर लगे सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना, जैसे मेरी तरीके से। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देना। देखो कितना इजी है, अब हमारे सारे सारे स्टेप होते जा रहे हैं। अब आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देखो जो भी चीज़ें हैं ना, सबका साइज दिया हुआ है, तो सारा साइज फोटो रिसाइजर से, एडोब स्कैनर से,
खुद कर लेना, अगर आपको नहीं आता है आप बाहर से भरा रहे हो तो वो कर देंगे। तो चलो अपलोड फाइल और डॉक्यूमेंट्स, ये हमने पहले, आप पहले फाइल पूरी बना के सेव कर लेना नीट 2024 के नाम से। फिर यहाँ पे सीधे आप चूज़ फाइल में जाओगे, और जैसे ही चूज़ फाइल में जाओगे यहाँ पे क्या था, हम यहाँ पे फ़ोटो लगानी थी तो हमने फ़ोटो ओपन कर दी। यहाँ पे हमारी फाइल फ़ोटो पासपोर्ट साइज अपलोड सक्सेसफुली, ये हमारी हो गई। अरे ये तो CSG किंग की है, आपके सर्वेश सर की फ़ोटो। चलो बहुत अच्छी, बहुत सही फ़ोटो है, वेरी गुड। अब आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज़ दिया हुआ है इतने KB से इतने KB तक होनी चाहिए, JPJ में होने चाहिए। चूज़ फाइल, फाइल में चले गए, सिग्नेचर की हमने बनाई हुई है तो ओपन कर दिया, सिग्नेचर अपलोड हो रहा है। सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया, सिग्नेचर का भी स्टेप हो गया। सर्वे सर के घर का नाम है अर्पित, तो वो हो गया, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ये नाम नहीं है। फिर आता है फोटो पास पोस्ट कार्ड साइज, जो आपकी इतनी बड़ी हथेली जितनी फ़ोटो होती है वो पोस्ट कार्ड वाली फ़ोटो होती है, तो वो भी हमने सिलेक्ट कर ली हुई है। तो ये फ़ोटो है हमारी, ओपन कर दिया और यहाँ पे सिलेक्ट हो गई पोस्ट कार्ड साइज भी, फ़ोटो हमारी सिलेक्ट हो गई, ठीक है ना। जो हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी उसी का हमने जो KB था वो बड़ा कर दिया, तो हमारी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो बन गई। अभी आता है लेफ़्ट और राइट फिंगर और थंब, सारी लेफ़्ट और राइट फिंगर और थंब, ये सारे इम्प्रेशन आपके ये ऐसे लगेंगे, तो वो भी आप अपलोड कर दीजिए। चूज़ फाइल पे जाइए और ये फिंगर पे चले जाइए, ओपन कर दीजिए, सारी डिटेल्स भर गई, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन अपलोड सक्सेसफुली, जय भगवान की। यहाँ तक आपका सारा हो गया, बहुत इत्मीनान से करना, बिल्कुल मत घबराना। देखो बच्चा होता है क्या है ना, जब आप पहली बार भरोगे ना और एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये ह्यूमन नेचर है, एड्रेनलिन जो होता है ना बहुत ज़्यादा हम लोग का सीक्रेट होता है, बहुत डर लगता है। जब भी जो स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है ना एड्रेनलिन होता है, बहुत टेंशन होती है, डर लगता है, वो रिलीज़ होता है, तो मतलब ऐसा होता ही है। तो आप पेशेंस रखना, पेशेंस बिल्कुल धैर्य रखना, आराम से करना, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फॉर्म फिल हो जाएगा, अपनी पढ़ाई करना। कोई भी स्टेप अगर ना समझ में आए तो ऐसे वीडियो डाउनलोड करके एक एक स्टेप देखते रहना, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करना, ठीक है ना। अभी हमारी सारी चीज़ें हम लोग की अपलोड हो गई हैं, सब हमने देख लिया है, सब कुछ लगा दिया है। अभी भी आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपका कुछ गलत है यू कैन गो बैक, क्लिक बैक, आप बैक चले जाओगे। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन जस्ट क्लिक सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, ओके। तो ये हमारा पूरा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं फाइनल सबमिशन, देखो सारे स्टेप एप्लीकेशन के होते गए फाइनल सबमिशन। अब हम आते हैं फाइनल सबमिशन पे, रिव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू कर लें। अभी यहाँ पे है, देखो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिशन। भाई देख लो यहाँ पे फाइनल सबमिशन होने जा रहा है, एक बार रिव्यू कर लो। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेनू बार, बैक का ऑप्शन दिया है ना, आप उस पे सारा चेंज कर सकते हो। अगर नहीं सब चीज़ सही है तो आप यहाँ पे आओ, प्रोवाइड लेफ्ट मेनू बार, फिर लिखा है प्लीज़ वेरीफाई योर नंबर, अपना नंबर अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर दोगे ना, क्लिक हेयर कर दिया, कंट्री कोड अपने आप ले लेगा, नंबर आपने ये डाला हुआ है ये आ गया, कैप्चा फिल कर दो फिर से अगेन, ये कैप्चा फिल कर दिया, ठीक है ना, ये OTP सेंड करेगा, OTP सेंड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर मोबाइल, मोबाइल कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया, फिर आता है आपका पेमेंट, प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन। अभी ये जो मोबाइल नंबर डाला हुआ था ना, ये मोबाइल नंबर चूँकि गलत डाला हुआ था तो उस पर OTP गया होगा, OTP जो गया होगा तो वो तो कोई मोबाइल नंबर है नहीं, तो मोबाइल हमने नंबर गलत रखा हुआ है तो OTP गया भी होगा तो पता नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट आएगा, सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे फिर आपके बाकी पेमेंट मोड पे आ जाएगा, फिर पेमेंट करना होगा। तो यहाँ तक पूरा फॉर्म सेम ऐसे ही भरा जाएगा, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से भरना, सेम सारी चीज़ें हैं, सब यही है बिल्कुल। हमने आपको पूरा यहाँ तक बता दिया है कि सारी चीज़ें कैसे अपलोड होंगी। ये भी मेरा सारा ओटीपी आ जाता, अगर हम सही नंबर डालते तो उस पर ओटीपी आता, फिर हम ओटीपी वहाँ पे डालते तो मेरा फाइनल सबमिशन भी हो जाता, फिर आ जाता पेमेंट मोड पे, फिर आप पेमेंट कर देते। बट चूंकि हमने मोबाइल नंबर गलत डाला हुआ था तो ये हमको बार बार बैक ले जा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका फाइनल सबमिशन तभी लेगा जब मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो डाल देना, पेमेंट मोड पे चले जाना, पेमेंट कर देना। और पेमेंट करना तो अगर जैसे 1700 है, 1600 है या 1000 रुपये, जिसकी भी है, जो भी मोड से आप करोगे, यूपीआई वगैरह के भी ऑप्शन है, जैसे पेटीएम वगैरह आप कर देते हो इजिली, वो भी मोड है, तो आप सिलेक्ट करना और देखना कि आपकी पूरी कन्फर्मेशन आ गई है कि नहीं आ गई है फी सबमिशन की। अगर आ गई हो तभी आप आगे मतलब बढ़ना कि हाँ मेरा फॉर्म भर गया है, नहीं आई हो तो फिर से आप जो पेमेंट है ना वो फिर से भरना, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपका मैसेज आते ही नहीं है कि फ़ी आपकी सबमिट हो गई है, तो आप उसको फिर से भरना, नहीं तो फिर आपके पैसे भी चले जाएंगे और आप सोचोगे कि नहीं बाद में हो जाएगा, नेटवर्क डाउन है, वो सर्वर वाला बोलेगा कैफे वाला कि नहीं भी बाद में हो जाएगा, उसके चक्कर में मत पड़ना। फॉर्म फिर से फ़ी वाले ऑप्शन में जाना, क्योंकि बैक वाला ऑप्शन रहेगा, ऐसे ही बैक जाना, फिर से फ़ी सबमिट करना, और फिर जैसे ही टिक करोगे और देखना कि वहाँ पे पूरा प्रॉपर मैसेज आ गया है कि नहीं, और जब आ गया है यानी कि आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो गया है। तो थैंक यू सो मच, होप कि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई भी डाउट हो तो खूब सारे कमेंट करना, मतलब जो जो डाउट हो कमेंट करना, पूछना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और घबराना नहीं, डरना नहीं, पेपर में सबको डर लगता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, बट हमको भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है, पढ़ाई करते रहना। एक दिन को कभी भी ओवर एस्टिमेट मत करना, और जितने और बचे दिन हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। मीन्स एक दिन में हम सोचते हैं कि हम ये सब कर डालेंगे, फिर वो हो नहीं पाता है, हम लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बड़ा ख़राब लगता है कि यार ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई, अब हम कैसे करेंगे कैसे करेंगे। एक दिन में तो हम सोचते हैं पूरा पहाड़ चढ़ जाएंगे, वो बाकी के दिन हैं उनको सब भूल ही जाते हैं कि नहीं अभी ये भी तो दिन है, इनमें भी तो टाइम है, अभी इसमें भी तो हमको पढ़ाई करनी है। तो आराम से उतना ही तैयार करना जितना, उतना ही मतलब तैयार करना जितना एक दिन में आपको तैयार हो पाता है, जितना बच जाता है वो नेक्स्ट डे फिर तैयार करना, फिर तैयार करना, ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम की डेट आ नहीं जाती, जब सॉरी जब तक एग्ज़ाम 5 मई को है ना, तो जब तक देने नहीं जाते हो तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। जितना एक दिन में मैक्सिमम हो जाए उसको उतना खींच लेना, परेशान नहीं होना कि मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, सारी चीज़ें हो जाएंगी जब तक आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना। अभी आपको लगेगा कि मेरा ये छूटा है, हाय मेरा वो छूटा है, ये सब छूटा है, पर जब वहाँ पे जाओगे ना लास्ट डे 5-4 मई को जाओगे, तो क्या पता आपका ना सारी चीज़ें हो जाए। तो रिलैक्स रहना, पेशेंस जरूर रखना, और जितना टाइम है ना उसमें जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करने की कोशिश करना। डर जाओगे तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, बट अगर बिना डरे करते रहोगे करते रहोगे, तो उसी को बोलते हैं ना कि जो इतने सारे दिन है उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। सारे दिन जो होते हैं ना, कभी कोई दिन बहुत हैक्टिक हो जाते हैं, कभी किसी दिन में बहुत सारा टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का, तो बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है और प्रिपरेशन करते रहना। अपनी होप मत खोना और परेशान मत होना, 250 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या पता तुम मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो और लास्ट में तुम ही डॉक्टर बन जाओ। बस लगे रहना, जैसे कछुआ था ना, वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फाइनली वही जीत गया। तो ये मत सोचना कि मेरे दोस्त का इतना हो गया, उनका इतना हो गया, उनका इतना हो गया। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन अदर, बिकॉज कंपेरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। आपको जो भी चीज़ें तैयार हैं वो सारी भूल जाओगे और नेगेटिव थाट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये फालतू का बिल्कुल भी मत सोचना। अच्छे से तैयारी करना, रिलैक्स होकर तैयारी करना, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। भाई लड़ने तो जा ही रहे हो, 5 तारीख को तो तुम्हारी लड़ाई है, तो उस लड़ाई में ना जितना बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक साल का जो अभी तक सारी चीज़ें की थी, तैयारी की थी ना, उसका वो उस दिन आपको दिखाना है कि आपने क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की। तो बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल जैसे प्रैक्टिस होती है ना, प्लेयर होता है खूब सारी प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर फाइनल मैच खेलता है, और फिर फाइनल मैच में क्या करता है, वो अपना जितना बेस्ट दे सकता है वो देता है। हारता है जीतता है वो बात की बात है, बट बिल्कुल रिलैक्स होके सेम वही कंडीशन आपको करनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी।
बिल्कुल नहीं डरना है, जितने दिन मिले ना उतने दिन में, एक एक दिन में जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना, जितना छूट जाए नेक्स्ट डे करना, फिर नेक्स्ट डे करना, फिर नेक्स्ट डे करना, ऐसे करते करते 4 मई तक करना, 3 मई तक करना, फिर रिलैक्स रहना, 5 को फ्री होके पेपर देना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बाय बाय।